आई थिंक बहुत ही ज़रूरी होता है, स्पेशली जब हम लोग सब बहुत ओवरवर्कड होते हैं या ज़्यादा काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक चाहिए होता है, रिलैक्सेशन चाहिए होता है। एंड आई थिंक ये जो स्पा का कॉन्सेप्ट है सदियों से चला आ रहा है हमारे देश में, हमारे जो एंशियंट आयुर्वेद देखेंगे, मसाजेस देखेंगे, चाहे वो केरला में हो या डाउन साउथ हो या नॉर्थ ईस्ट में हो या कहीं भी हो, ये ऑलवेज हमारी एक कल्चर में रहा है। मसाज जब बच्चा पैदा ही होता है तभी से हम उसको मसाज करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक ये अब आप बहुत बड़े एग्जांपल्स, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं एक शो पे थी एंड हमारे एक बहुत, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत ही एक हमारे फेमस एक उम्दा रेसलर जो ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं ब्रॉन्ज, उन्होंने मुझे एक वाक्या बताया कि वो जब 9 या 11 साल के थे वो पैरालाइज थे एंड उनकी माँ ने सिर्फ राई के तेल से रोज़ उनको मसाज किया टिल द टाइम उन्होंने वादा किया था अपने आप को कि मैं जैसे ही उठूँगा मैं पहले अखाड़े में जाऊँगा। एंड एक्चुअली उन्होंने वो किया, टुडे ही इज़ वन मेडल्स फॉर द कंट्री। सो इसमें है पावर है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत ज़रूरी है सबके लिए टू लर्न टू रिलैक्स, एक तो आजकल स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में, उसके अलावा टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिटनेस मंत्रा आई थिंक, देखिए मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ, आई डोंट बिलीव इन ओवर एक्सरसाइजिंग, लेकिन हाँ आई थिंक कुछ समय सबको अपने लिए निकालना चाहिए, एटलीस्ट 45 मिनट्स अ डे इधर एनी काइंड ऑफ कार्डियो, चाहे आपको वॉकिंग पसंद हो, गर्मियों में स्विमिंग पसंद हो, योगा पसंद हो, वो 40 मिनट हर एक को अपने लिए निकालना चाहिए। आई थिंक वो सब पोलराइजेशन तो सब जगह हो चुका है, ट्विटर पे कहीं भी आप ले लो सोशल मीडिया, बट आई थिंक सबकी इंडिविजुअल चॉइसेस रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड सबको स्पेस देना चाहिए, बट वोटिंग चाहे आप जिसको भी करें बट वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये मौका लेती हूँ और प्रार्थना करती हूँ लोगों से कि प्लीज़ 29 को ज़रूर निकलिएगा अपने घरों से, ये आपके लिए सेलिब्रेट करने की छुट्टी नहीं है, हाँ हमारी डेमोक्रेसी सेलिब्रेट करने की छुट्टी है, तो अपनी डेमोक्रेसी अपने हक को सेलिब्रेट कीजिए एंड प्लीज़ गो आउट एंड वोट ऑन द 29th of April। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।